ये मेरे कुल 7 पेड़ हैं, जिनमें से 5 पेड़ बाला सुंदरी के हैं और 2 मिस इंडिया के हैं। इस पर पिछली बार बहुत बेर आए थे, इस बार हमने मई के पहले हफ्ते में इसकी कटिंग कर दी थी, यानी इसे जड़ से थोड़ा 1 फीट ऊपर रखकर बाकी सब काट दिए थे। अब देखिए इसमें इतनी फुटान है और इसकी हम छटाई करेंगे। किन शाखाओं का चयन करेंगे, किनको हम काटेंगे, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हमने इसमें इसके आसपास की सफाई कराई और हमें जो चुनाव करना है वो मेन शाखाओं का करना है, जो ये बड़ी बड़ी है, और इसके अलावा जितनी भी ये छोटी शाखाएं हैं इन सबको हटा देना। अभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 शाखाएं आपको रखनी है और बाकी सब हटा देनी है। ये ध्यान रखना है कि कौन सी शाखाएं रखनी है कौन सी नहीं रखनी है। ये मैं हटा दूंगा और शाखाएं ऐसी रखिए जो आपको बिल्कुल बीच में हो, ताकि वो मोटी हो और चले, और नीचे से इनकी थोड़ी छटनी कर दीजिए इस प्रकार। देखिए एक ये शाखा हमने रख ली है, एक ये शाखा हमने रख ली है और बाकी जितनी भी हैं इनको हम हटाएंगे इस प्रकार। आइए देखते हैं। ये जो छोटी छोटी शाखाएं हैं इन सबको हटा दीजिए। इन शाखाओं से पेड़ ऊपर की तरफ चलेगा, जैसे ये वाली शाखा है, इसको भी हटा देते हैं, और ये जो शाखा है बड़े वाली इसको हम रखेंगे और नीचे से इसको हटा देंगे। जो बाकी शाखाएं हैं बारीक बारीक हैं उन सबको हम हटाते रहेंगे। ये देखिए ये हटा दीजिए। अब आपके पास जो है आप देखेंगे कि ये 4 शाखाएं बच गई। अब इन 4 को हम चलने देंगे ऊपर की तरफ और नीचे वाली हम साफ कर देंगे। तो ये पौधा ऊपर से बिल्कुल छतरी बनाएगा और बहुत अच्छी ग्रोथ भी करेगा और आपको फल भी देगा। इसको हटाकर इसके चारों ओर यहाँ पर आप गोबर का खाद, ये 2 साल का पौधा है, इसमें गोबर का खाद 10 किलो कम से कम, थोड़ा अगर बोन मील है वो मिलाइए या नीम की खली मिलाइए, उसमें सागरिका और जो ह्यूमिक एसिड है वो डालिए, नाली बनाकर दीजिए, उसके साथ DAP और पोटास ये अवश्य दें और थोड़ा यूरिया भी मिला सकते हैं। DAP इसमें 100 ग्राम दे सकते हैं, पोटास भी 100 ग्राम दे सकते हैं, 50 ग्राम यूरिया डालकर इसके चारों तरफ दबाकर मिट्टी में और इसको पानी दे दीजिए। इस प्रकार से आपका पौधा बहुत अच्छा चलेगा और इसमें बहुत फूल आएंगे। आइए एक मैं दूसरे पौधे की भी कटिंग दिखाता हूँ आपको। ये देखिए एक ये पौधा है, इसमें से भी हम इसी प्रकार करेंगे, जो ये बारीक बारीक हैं। कुल हम अच्छी वाली 4 शाखाओं का चयन करेंगे हर पौधे में। ये देखिए ये मैं हटा देता हूँ और नीचे से थोड़ा इनको हटा दीजिए, ताकि आपको खाद लगाने में आसानी रहे और आसपास इसके चलने में आसानी रहे। एक ये वाला ही रखेंगे हम। ये देखिए 1, 2 और इसको हम हटा देंगे और इसको भी हम हटा देते हैं। तो ये हमारी 4 शाखाएं इसमें रह गई और इसको यहाँ से थोड़ा नीचे की शाखाएं हम हटा देंगे। इस प्रकार से हमने इसमें भी 4 शाखाओं का चयन कर लिया और इनको हम
चलने देंगे, इसमें भी खाद लगाएंगे। इसी प्रकार आप अपने सभी पौधों की कटिंग करें और उनके आसपास खाद लगाएं। अगर आप अपने पौधों की इस प्रकार इस समय कटिंग कर देते हैं, चूँकि शाखाएं थोड़ी मोटी हो चुकी हैं तो वे हवा से भी नहीं गिरेंगी और बहुत अच्छी बढ़वार होगी, क्योंकि जितनी अधिक शाखाएं होंगी भोजन उतना ही वितरित होगा उनमें, सब में चला जाएगा। लेकिन अगर कम रखेंगे तो उनमें भोजन बहुत अच्छी तरह जाएगा और उनकी बढ़वार अच्छी होगी और ऊपर से फुटान बहुत अच्छी होगी। खाद लगाने के एक महीना बाद देखना कि आपके पौधे कितने अच्छे हो जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। इसी के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।